और भूकंप से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, कई देर तक भूकंप के तेज झटकों को महसूस किया गया, जम्मू कश्मीर तक भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, जिसके बाद लोग घरों से बाहर निकले। ये तस्वीरें आपको दिखा रही जहां भूकंप के झटके महसूस किए गए, और कई तस्वीरें भी सामने आई हैं, जम्मू कश्मीर तक भूकंप के ये झटके महसूस हुए हैं। अफगानिस्तान के फैजाबाद में भूकंप का ये केंद्र था, हिंदू कुश क्षेत्र में 6.3 भूकंप की तीव्रता रही। दिल्ली एनसीआर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए, जम्मू कश्मीर तक भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, अफगानिस्तान के फैजाबाद में भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है इस वक्त की ये बड़ी खबर। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर धरती की कंपन महसूस की गई है, देर तक भूकंप के ये तेज झटके महसूस हुए, और ऐसे में लोग घरों से बाहर निकलते हुए नजर आए। हालांकि जम्मू कश्मीर तक भी भूकंप के झटकों को महसूस किया गया, ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। रिक्टर स्केल पर 6.3 भूकंप की तीव्रता रही, और अफगानिस्तान के फैजाबाद में भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है इस वक्त की ये बड़ी खबर। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए। स्पर्श, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, एक बार फिर से दिल्ली एनसीआर के इलाकों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, फिलहाल किस तरह की तस्वीरें देखने को मिली? देखिए, दिल्ली एनसीआर समेत जो उत्तर भारत का इलाका है वो एक बार फिर से भूकंप से हिलता हुआ जो है नजर आया। अफगानिस्तान जो है भूकंप का हालांकि केंद्र बताया जा रहा है, लेकिन एक बार फिर से दिल्ली एनसीआर की जो धरती है वो भूकंप के कारण हिलती हुई जो है बताई जा रही है। और रिक्टर स्केल पर बात करें तो करीब 6 का जो पैमाना है वो आज जो है मैग्नीट्यूड देखने को मिलता हुआ जो है नजर आ रहा है। हालांकि अभी तक कोई जान माल का नुकसान जो है नहीं जो है देखने को मिलता हुआ नजर आया, लेकिन जैसे ही भूकंप के झटके जो है बाहर आते हुए जो है लगते हुए नजर आए तो लोग अपनी बिल्डिंगों से जो है बाहर जरूर आते हुए जो है नजर आए थे। तेज झटका जो है दिल्ली एनसीआर में जो है भूकंप का देखने को मिलता नजर आया। दिल्ली की बात करें, हरियाणा की बात करें, चंडीगढ़ की बात करें, या फिर जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो यहाँ पर तेज भूकंप का झटका जो है देखने को मिलता हुआ नजर आया था। फिलहाल और ज्यादा जानकारी जो है आना बाकी है कि किस तरीके का जान मान का नुकसान जो है होता हुआ जो है नजर आया, लेकिन अफगानिस्तान जो है इस भूकंप का केंद्र जो है बताया जा रहा है, और 6.0 जो मैग्नीट्यूड है वो जो है इस भूकंप का जो है देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, और ऐसे में कुछ तस्वीरें भी देखने को मिली जहां पर लोग अपने घरों से बाहर निकलते हुए नजर आए। यानी कि कुल मिलाकर के माना जाए कि अफगानिस्तान के फैजाबाद में जो इस भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है उसका इस असर उत्तर भारत में देखने को मिला है। उत्तर भारत के इलाकों में दिल्ली, हरियाणा, जम्मू कश्मीर तक इसके जो झटके हैं वो महसूस किए गए। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर हम बात करें तो अफगानिस्तान चूंकि रीजन रहा है जहां पर ये भूकंप देखने को मिलता हुआ नजर आया, तो अफगानिस्तान से सटा हुआ पाकिस्तान भी इसके अफेक्टेड देखने को मिलता हुआ नजर आया, और भारत तक जो है ये भूकंप के झटके जो है देखने को मिलते हुए जो है सीधे तौर पर नजर आए हैं। ये देखने को जो है मिलता हुआ जो है नजर आ रहा है, क्योंकि हम बात करें जो है दिल्ली एनसीआर क्षेत्र की तो हमेशा यहाँ पर हम देखते हैं कि भूकंप जो है ज्यादातर देखने को मिलते हुए नजर आते हैं। पिछले कुछ दिनों में भी लगातार भूकंप जो है यहाँ दिल्ली एनसीआर में जो है देखने को मिलते हुए नजर आए थे, लेकिन जान माल की नुकसान जो है वो नहीं देखने को मिलता जो है नजर आता था। लेकिन फिलहाल अब हम बात करते हैं तो अफगानिस्तान में चूंकि ये केंद्र देखने को मिलता हुआ नजर आया, और 6.0 का अगर रिक्टर स्केल पर पैमाना इस भूकंप का देखने को मिलता हुआ नजर आया तो हो सकता है कि वहां पर जो आप तस्वीरें कुछ ही देर बाद आती हुई नजर आएंगी तो वहां पर जो जान माल की नुकसान है वो देखने को मिलता जो है नजर आ सकता है। लेकिन अभी अगर हम भारत की स्थिति की बात करते हैं तो भारत में हम अलग अलग जगहों पर चूंकि लगातार नजर बनाए हुए हैं, दिल्ली की बात करें, हरियाणा की बात करें, चंडीगढ़ की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, वहां पर लोगों को झटके तो जो है महसूस होते हुए जो है नजर आए थे इस भूकंप के, लेकिन किसी तरीके का नुकसान हुआ इस तरह की जानकारी जो है अभी फिलहाल निकलकर जो है सामने नहीं आ रही है। बिल्कुल स्पर्श, और देखिए जिस तरीके से फिलहाल आपने बताया कि किसी भी तरह के जान माल के नुकसान की कोई बात सामने नहीं आई है, लेकिन अगर अफगानिस्तान में इसका मैग्नीट्यूड 6.1 रहा है तो कहीं ना कहीं जो अफगानिस्तान के पास के इलाके होंगे, अफगानिस्तान का फैजाबाद जो केंद्र बताया जा रहा है वहां पर इसे जरूर नुकसान हुआ होगा, क्योंकि काफी तेज तीव्रता से यह भूकंप आया है, जम्मू कश्मीर तक तेज झटके कई देर तक महसूस किए गए। देखिए, बिल्कुल 6 से ऊपर का अगर भूकंप आया है तो निश्चित तौर पर एक ये बड़ा भूकंप जो है इसको सीधे तौर पर जो है कहा जा सकता है। और अगर हम बात करें कि किस तरीके का नुकसान देखने को मिलता हुआ नजर आएगा, ये जो है महत्वपूर्ण रहेगा।
किस तरीके की तस्वीरें आएंगी, क्या सिर्फ जान जान का नुकसान होगा या फिर जो बिल्डिंग्स होती है उनको अफेक्ट जो है भूकंप करता हुआ नजर आए, उसके लिए थोड़ा सा इंतजार और करना होगा। लेकिन अभी फौरी जानकारी जो निकलकर सामने आई है उसके मुताबिक अभी जो सिर्फ रिक्टर स्केल पर पैमाना देखा गया है इस भूकंप का, वो 6 दशमलव से ऊपर जो है देखा गया है। अफगानिस्तान इसका केंद्र बताया जा रहा है, यानी अफगानिस्तान में अगर ये भूकंप आया है तो वो पूरा जो एक प्लेट कही जाती है जिस पर जो है ये पूरा देखने को मिलते हुए नजर आते हैं अलग अलग शहर, वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होते हुए नजर आए। इसमें पाकिस्तान में भी इस भूकंप जो है देखा गया है, भारत में भी इस भूकंप का जो 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 इफेक्ट है वो देखा गया है। लेकिन अभी हम बात करें तो कोई ऐसी जानकारी जो है प्राप्त नहीं हो रही कि जिसमें जान माल के नुकसान की बात जो है निकलकर सामने आ रही हो, तो अभी थोड़ा सा इंतजार करना होगा कि किस तरीके का इफेक्ट जो है भूकंप जो है अफगानिस्तान में खासतौर पर जो है छोड़ता हुआ नजर आया है। बिल्कुल स्पष्ट। और फिलहाल आप दिल्ली में मौजूद हैं, वहां भी बताया जा रहा है कि दिल्ली एनसीआर में भी तेज झटके महसूस किए गए। आपके आसपास के इलाकों में जो लोग मौजूद हैं, क्या उन्होंने भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं? लोगों का क्या कहना है? देखिए बिल्कुल, दिल्ली की बात करें, दिल्ली से सटे हुए यूपी की बात करें, एनसीआर क्षेत्र की बात करें, हाई राइज बिल्डिंग यहाँ पर देखने को मिलती हुई नजर आती है। जैसे ही भूकंप का झटका जो है यहाँ पर देखने को मिलता हुआ नजर आया तो लोग जो है एक बार पैनिक करके जो पहला स्टेप होता है वो जो बिल्डिंगों से बाहर जो है वो निकलते हुए जो है नजर आए थे। हालांकि जो है ये भूकंप का झटका, तेज झटका जो है देखने को मिलता हुआ नजर आया था, लोग जो है पैनिक करते हुए जो है नजर आए थे। लेकिन अब जो है सेटल डाउन लोग जो है होते हुए जो है नजर आए हैं और अब अपने अपने काम में जो है व्यस्त लोग देखने को मिलते नजर आए। लेकिन जैसे ही ये भूकंप का झटका आया था, एक बार जो है बिल्डिंग हिलती हुई नजर आई थी, लोगों ने महसूस किया कि किस तरीके से तेज झटका जो है वो आज दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में जो है भूकंप का ये देखने को मिलता जो है नजर आया। बिल्कुल स्पष्ट। और ऐसे में इंतजार रहेगा कि अफगानिस्तान की तस्वीरें जल्द से जल्द सामने आए ताकि ये पता चल सके कि आखिर जहां पर भूकंप का ये केंद्र था वहां पर कितना नुकसान पहुंचा है। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों की ओर आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले तस्वीरें आपको दिखा दी जहां भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए और जिसके बाद लोगों में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, तमाम उत्तर भारत के ऐसे इलाके जहां पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए और जिसके बाद लोग सबसे पहले आनंद फानंद में बिल्डिंगों से बाहर निकले और खास तौर पर जो ऊंची इमारतें हैं वहां पर भूकंप का खास तौर पर जो तेज झटके हैं वो महसूस किए गए।